Hey guys, welcome to my channel. आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ स्टेक और की न्यू लॉन्च आई लाइनर. सो स्टेक और की का ऑलरेडी आई लाइनर है बट ये न्यू लॉन्च आई लाइनर है. सो इसका नाम है स्टेक और की लुक टू ग्लैम टू गिव ए डैम. सो इसमें आपको वेराइटीज ऑफ कलर अवेलेबल होगा. सो अगर आपको जानना है इसके बारे में देन कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो. तो वीडियो पसंद आए तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो. सो इसका आउटर पैकेजिंग कुछ इस तरह से है. मैट ब्लैक कलर का पैकेजिंग है एंड देन कलरफुल डिजाइन एंड यहाँ पे टॉप पे लिखा है स्टेक और की लुक टू ग्लैम टू गिव ए डैम. सो ये आईलाइनर का नाम है. इसी सीरीज में हम लोगों को बहुत सारा कलर अवेलेबल है. अभी मेरे पास एक ही आईलाइनर है और इसमें मेरा शेड है 2 बीच प्लीज ब्लू कलर में है ये आईलाइनर जो कि मैं अभी आईज के ऊपर अभी वेयर भी की हूँ. सो इसके बाद हम लोगों को यहाँ पे प्रोडक्ट मिल रहा है 6.5 ml और इसका प्राइस है 275 rupees. बट यू नो पर्पल में हमेशा स्टेक और की पे कुछ ना कुछ डिस्काउंट होते ही रहता है. सो आपको ये डिस्काउंट में मिल जाएगा एटलीस्ट 30 to 50% के रेंज पे डिस्काउंट मिल जाएगा. सो मुझे 35% का डिस्काउंट मिला था 275 rupees के ऊपर. सो बहुत अफोर्डेबल हो जाता है उसके बाद. सो इसके बाद इसमें सेल्फ लाइफ मिल रहा है 3 years का. देन हम लोग इसको पैकेजिंग प्रीटी मच थोड़ा बहुत इंग्रेडिएंट्स लिस्ट एंड मैन्युफैक्चर ये सब डिटेल्स पीछे में लिखा है और कुछ कुछ डिटेल्स लिखा है. एनीवे हम लोग पैकेजिंग से थोड़े ना कुछ करेंगे. सो इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं. सो इसका पैकेजिंग बहुत ही ब्यूटीफुल है. ये कुछ बॉल जॉइंट एप्लीकेटर के साथ आया है. आई मीन टू से ये आपका घूमेगा, आप जैसा चाहे आपके अकॉर्डिंग आप इसको मूव कर सकते हो. बट मुझे लगता है ये स्ट्रेट ही बहुत इजी हो जाता है हम लोग के लिए अप्लाई करने के लिए. बिकॉज ऐसे मोड़ दोगे तो आप समझ नहीं पाओगे कहाँ पे आईलाइनर जा रहा है. सो मेरे लिए ये कोई यू नो यूजफुल नहीं है. आई थिंक मुझे स्ट्रेट वाला ही सही लगता है. सो एनीवे बहुत अच्छा काम किया है स्टेक और की ने. इसके लुक वाइज प्रोडक्ट का जो डिज़ाइन है बहुत अच्छा लग रहा है. सो बहुत ब्यूटीफुल है. सो इसका जो सिल्वर कलर का ये डिटेलिंग है ना ये सबसे अच्छा है. सो वेरी ब्यूटीफुल डिज़ाइन. सो मुझे इसका डिज़ाइन बहुत पसंद आया. सो जो प्रोडक्ट का कलर है आपका आईलाइनर का कलर है वो इजीली हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे इसके बॉडी के कलर से. सो आप देख सकते हो ये मेरा ब्लू कलर का आईलाइनर है. सो इसका बॉडी भी ब्लू है. सो ये बहुत इजी हो जाता है बिकॉज हम लोग हमेशा इसका बैक या फिर पैकेट नहीं चेक करते रहते. सेम मतलब आईलाइनर का अगर बॉडी में ही कलर पता चले तो बहुत इजी हो जाता है. सो इसके बाद इसको ओपन करेंगे तो इसका जो एप्लीकेटर है और इसका जो एप्लीकेटर का टिप है वो फेल्ट टिप है. मतलब ये ब्रश नहीं है, ये कुछ पेन आईलाइनर का जो टिप होता है उस टाइप का है. सो एप्लीकेटर अच्छा है, इजी हो जाएगा, बहुत इजीली आप इसको अप्लाई कर पाओगे क्योंकि इसका वॉन्ट जो है वो बहुत स्मॉल है. सो एप्लीकेटर मुझे बहुत अच्छा लगा. और आईलाइनर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एप्लीकेटर बिकॉज उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका आईलाइनर कितना प्रिसाइज और कितना अच्छा लगा पाएंगे हम लोग. सो मुझे ये आईलाइनर अच्छा लगा, इसका डिजाइन वाइज एंड लुक वाइज भी बहुत अच्छा लगा मुझे. सो मैं इसको स्वाच करती हूँ अपने हाथ पे और फिर हम लोग टेस्ट करेंगे वाटर प्रूफ है कि नहीं. सो यहाँ पे मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ. सो ये प्रिसाइज आप इससे लाइन कर सकते हो, वो डिपेंड करता है आप कैसे इसको प्रेशराइज कर रहे हो. तो ये फेल टिप एप्लीकेटर है. सो इसको हम लोग छोड़ देंगे फॉर 30 seconds ताकि ये अच्छे से यू नो सूख जाए और फिर हम लोग देखेंगे ये मैट फिनिश देता है, स्मज प्रूफ एंड वाटर प्रूफ थिंग. सो गाइज ये ड्राई हो चुका है, अराउंड 50 seconds to 1 minute लगा. सो ये ड्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगता है. सो इसको मैं स्मज करती हूँ. सो ये स्मज प्रूफ है, ये कहीं नहीं हिल रहा है अपनी जगह से एज यू कैन सी. सो ये ड्राई होने के बाद ये मैट फिनिश देता है और साथ में ये स्मज प्रूफ हो जाता है. देन इसके बाद मैं इसके साथ करूँगी वाटर प्रूफ टेस्ट. तो मैं थोड़ा सा कॉटन बॉल में पानी ले लूँगी. सो मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया. अब इसको मैं इसके ऊपर रखी हूँ.
सो आप देख सकते हो, तो ये वाटरप्रूफ नहीं है। आप देख सकते हो ये मिट चुका है, आई मीन्स आप देखिए पूरा, ये एकदम भी वाटरप्रूफ नहीं है, ये पूरा आ गया। सो ये स्मज प्रूफ है बट ये वाटरप्रूफ एकदम नहीं है। सो मैं थोड़ा सा ही अगर करूँगी तो ये पूरा निकल गया। सो अगर आप इसको परचेस करने का सोच रहे तो आप ध्यान रखिएगा, ये वाटरप्रूफ नहीं है, ये स्मज प्रूफ है और मैट फिनिश भी देता है बट ये वाटरप्रूफ नहीं है। सो गाइज ये था रिव्यू अबाउट दिस प्रोडक्ट स्टेक और की न्यू आईलाइनर। सो अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो अगर आपको पसंद आया ये वीडियो, और शेयर भी कीजिए अगर बहुत पसंद आया तो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।